देखिए, मैंने मेरे मेरे फादर एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वो 1965-71 के वॉर हीरो हैं, तो इंतकाल कर गए मरहूम, तो अल्लाह उन्हें खरीके रहमत में जगह अता फरमाए। मैं सारी ज़िंदगी एयरफोर्स के माहौल में रहा, पला बड़ा वहीं पर, तो वो एक उसी तरह की आदत थी। फिर मेरी माँ भी बड़ी सख्त औरत थी मरहुआ, तो ये कि हमने कभी रात को 12 कैसे बजते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं था। टिल आई वॉज 18 और 19, मैंने कभी रात के 12 कभी नहीं देखे थे। तो इसका मतलब 8 बजे 7 बजे आपको घर पे आना मस्ट यानी है। मुझे अब तो खैर आप लोग, अभी पहले तो टीवी होता था ना, सर पीटीवी होता था, 9 बजे होता था खबरनामा, सही। तो 9 बजे मुझे याद है कि हम नींद से पागल हो रहे होते थे, ठीक है। और वो एक अच्छा दौर था कि ये मुसीबत भी नहीं होती थी उस जमाने के अंदर, है ना भाई। मुझे हमारे टू मच डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। डिस्ट्रैक्शन। मैं तो सीरियसली अब बड़ा कभी कभार हैरान होता हूँ, जिन बच्चों को मैं मेडिकल करते हुए देख रहा होता हूँ, मेडिसिन कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं सीरियसली सोचता हूँ ये कैसे पढ़ते होंगे, ये इससे अपनी जान कैसे छुड़ाते होंगे। मैं तो इसको मैं इसकी मेरे मेरे फ़ोन की तो वॉल्यूम बंद रहती है, मैं अगर मैं इसकी फ़ोन की वॉल्यूम खोल दूँ तो मैं आपको इस वक्त इंटरव्यू भी ना दे सकूँ, बिल्कुल, आपका फोन बजता रहेगा बजता रहेगा। और ये बंद रहता है। तो उस ज़माने में तो ये थे ही नहीं, और उस ज़माने तो फ़ोन किसी किसी के घर हुआ करता था। तो मैंने एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजारी, बस फिर वहाँ से निकले, वहाँ से कॉलेज किया, कॉलेज के बाद आई वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर, फिर मैं अल्लाह का शुक्र इंजीनियर बन गया। और उससे पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, सबसे पहले तो मैं एक फाइटर पायलट बनना चाहता मैं था। आपसे पूछने वाली थी कि आप F-16 के फाइटर बनना चाहते हाँ, थे। फाइटर पायलट बनना चाहता था, कमज़ोर आंखें थी नहीं बन सका, फिर डॉक्टर बनना चाहता था, फिर वो मैंने बायोलॉजी देखी इतनी मुश्किल है, वो भी नहीं बन सका, फिर मैं इंजीनियर तो बन गया, नौकरी नहीं की। तो देखो, तीन काम तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे जो मैं करना चाहता था और मैं नहीं कर सका, और जो चीज़ मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी कि मैं एक म्यूजिशियन बनूंगा, मैं एक म्यूजिशियन बन गया। और अल्लाह की तरफ से जो भी शोहरत मिली, जो भी नाम मिला, ये बात नहीं है, मारते रहो छलांगे पूरी ज़िंदगी, ठीक है। क्योंकि सैयदना अली करमल्ला वजहू का एक इरशाद है, आपने फरमाया, मैंने अपने इरादों के टूटने में अल्लाह को पहचाना, मैंने अपने इरादों के टूटने में अल्लाह को पहचाना। और मैं 100% ये बात अपने बारे में कह सकता कि मैं तो फाइटर पायलट बनना चाहता था, नहीं बना, फिर डॉक्टर बनना चाहता था, वो भी नहीं बन सका, फिर इंजीनियर बन भी गया लेकिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन छलांगे फिर भी मारता रहा, तो फिर इंजीनियर बन गया। तो छलांगे मारते रहो मारते रहो, पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो तुम्हें नहीं नज़र आ रहा इस वक्त, और एक फील्ड को छोड़ के तुम तो दूसरी फील्ड में जाओगे, दूसरी को छोड़ के तीसरी फील्ड में जाओगे, हाँ हो सकता है वो जो तीसरी फील्ड में जाओ उसका टैलेंट हो तुम्हारे अंदर, तो सो करते यू हैव रहो टू कीप ट्राइंग इट। या करते रहो करते रहो। ये मेरी राय है, हर आदमी अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी अच्छा वकील नहीं बन सकता, हर आदमी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये अल्लाह की तरफ से डिफरेंट पोटेंशियल्स होती हैं जो अल्लाह किसी को देता है कि भाई ये एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन गया, मैं और वसीम अकरम ज़िंदगी हमारी साथ शुरू हुई, ठीक है। और जिस जिस दिन वसीम पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है और उसने 7 विकेटें ली, वो मैच मैंने खेलना था उसकी जगह। अच्छा, हाँ, डॉक्टर नहीं बन रहा है किसी दूसरी फील्ड में ले जाओ, ये इंजीनियर नहीं बन रहा है किसी दूसरी फील्ड में ले जाओ। पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस बात के लिए इंकरेज करना चाहिए